अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए और इस घंटी के आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाइए। हमारा एक सर्विंग स्पून 4 टेबलस्पून के बराबर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक इंडियन घर। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन तवा बोटी। इसे आप नान और पाव के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। तो आए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। 1/4 किलो गोश्त, बोनलेस मटन है ये। इसे हमने अच्छी तरीके से साफ कर लिया है और इतनी साइज की बोटी कर ली है। 1 बड़ा प्याज, इसे बारीक काट ले। 1 बड़ा टमाटर, इसे भी बारीक काट ले। 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च पेस्ट, 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, कोथमीर इसे काट ले, नमक स्वाद अनुसार। आइए बनाना शुरू करते हैं मटन तवा बोटी। सबसे पहले हमें मटन को गलाना है। बोनलेस पीसेस को हम कुकर में डालेंगे, प्रेशर कुकर में डालेंगे। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इस साइज के पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। हमें सारी प्याज नहीं डालना है, थोड़ी प्याज रख लेनी है। आप देख सकते हैं इतनी सी प्याज हमने रख ली है। फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च पेस्ट, नमक, थोड़ा नमक। इन सारी चीजों को हम मिला लेंगे। ये अच्छी तरीके से मिल जाए, फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास पानी। फिर से मिला लेंगे। और फिर हमें इसे गलने के लिए, इसे पकने के लिए रख लेना है। 7 सीटी के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मटन अच्छी तरीके से गल चुका है और पानी भी सूख चुका है। हमने जो इसमें 1/2 ग्लास पानी डाला था वो सूख चुका है और जो थोड़ा बहुत पानी बचा है वो हम मटन तवा बनाने के लिए यूज करेंगे। एक तवे को हमने फ्लेम पे रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 सर्विंग स्पून तेल। और फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हमें हल्का गोल्डन होने तक पकाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ज्यादा तेल नहीं डालना है तो तेल आप अपने हिसाब से डालिए। आप 2 सर्विंग स्पून भी डाल सकते हैं। हमें इसे पकाना है। प्याज हल्की गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर और इसे नरम होने तक मिक्स करेंगे। टमाटर नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे
उबला हुआ मटन, इस तरीके से इसे डालें। मटन हमने इसमें डाल दिया है, आप देख सकते हैं हल्की सी ग्रेवी बची है इसमें, वो हम बाद में डालेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसे हमने प्याज टमाटर में मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। ध्यान रखें, पहले भी हमने उबालने के वक्त नमक डाला था इसमें, अब हम इसे मिला लेंगे। अच्छी तरीके से मिलाना है हमें इसे। हमें इसे हाई फ्लेम पर ही मिक्स करना है और इसे 10 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनना है। इसे भूनने के वक्त ध्यान रखें जो ग्रेवी का पानी है वो थोड़ा थोड़ा इसमें डालें और इसे भूने। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम इसे अच्छी तरीके से भून रहे हैं। दस मिनट तक हमने इसमें सारी ग्रेवी डाल के इसे अच्छी तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कोथमीर, और कोथमीर डालकर भी हमें इसे मिक्स करना है। गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है, जो बोटी है वो अच्छी तरीके से पक चुकी है और मसाला भी अच्छी तरीके से लग चुका है। आप देख सकते हैं तेल भी आ रहा है। अब हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी मटन तवा बोटी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। Thank you, friends.